हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में लोग रिव्यू करने वाले हैं आईपीएल का 32वें मैच, जो कि था पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल के बीच में। तो दोस्तों, राजस्थान ने पहली बैटिंग की और बैटिंग करके उसके राजस्थान के बैट्समैन ने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए और सभी के सभी एक से बढ़कर एक रन बनाए हैं। और वहीं पर बताया जायसवाल ने बनाए 49 रन, 1 रन से कम रह गए अपनी पहली शतक के लिए, हाफ शतक के लिए। वहीं पे बता दें, एविन लुईस ने 36 रनों की पारी खेली, 43 रनों की पारी बन देने के लिए, और लिविंगस्टोन ने 25 रनों की पारी खेली। टीम का जो स्कोर था वो हो चुका था 185 रन, और 186 का पीछा करने के लिए उतरी हमारे पंजाब किंग्स की टीम ने। और पहला पार्टनरशिप पता है 120 रनों का पहला पार्टनरशिप हुआ, और पहली विकेट 120 रनों पे गिरी, दूसरी विकेट जो है वो 126 रनों पे गिरी, फिर तीसरी विकेट 183 रनों पे गिरी, फिर चौथी विकेट 183 रनों पे गिरी। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब 12 बॉल में 8 रन चाहिए और पंजाब की टीम नहीं मार पा रही है। अगली एक बार और भी हो रहा कि 15 बॉल में इतने रन चाहिए थे तो वो नहीं मार पा रहे थे। ये ऑल टीम हार जाती है, इतना करीब जाकर टीम हार जाती है, ऐसी टीम को कोई फायदा, मतलब ये क्या बकवास टीम है। आप सिर्फ 2 जन के भरोसे बैठे हो क्या, 2 जन आउट हो गए तो मतलब मयंक अग्रवाल के अलावा ने कितना अच्छा स्टार्ट देखा। मतलब ये तो 2 ओवर पहले ख़त्म होने वाला मैच था, इन लोगों ने मैच हार गए। क्या होता है, 2 ओवर पहले ख़त्म जो मैच होता वो मैच 2 रनों से आप हार जाते हो तो भाई आप माथा पे हाथ रखो, क्या हो रहा है, ये कैसी टीम है। तो दोस्तों, पंजाब टीम किंग्स के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इतने कम इतना खाते ये घटिया टीम लगा मुझे, क्योंकि ये दोनों ही बैट्समैन आपको हर मैच जिता कर, पूरी की पूरी जिता कर नहीं दे सकते, और इनका बाकी का जो बैलेंस है वो एकदम घटिया है। तो आपको कैसा लगा, और कार्तिक त्यागी ने काफ़ी कमाल की बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच उनको मिला है। तो इस बारे में लोगों राय क्या कमेंट में ज़रूर से बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना।